देश की कानून प्रणाली में 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हुई। गुलामी के समय से चले आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। अब आपराधिक मामलों का फैसला इन कानूनों से होगा। इस बीच आम लोगों के मन में नए कानूनों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं उन अपराधों और सवालों के बारे में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में 358 धाराएं हैं, जबकि IPC में 511 धाराएं थी। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मर्डर करने पर नए कानून में सजा घटी है या बढ़ी है। तो इसका जवाब ये होगा, BNS की धारा 103 में हत्या करने के दोषी को दी जाने वाली सजा का उल्लेख है। धारा 103(1) कहती है कि हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को या तो मौत की सजा दी जाएगी या जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के मामलों पर भी नियम बनाया गया है। धारा 103(2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह पूरी तरह से सहमत होने के बाद नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और व्यक्तिगत विश्वास या किसी और आधार पर किसी की हत्या करता है तो समूह के हर एक सदस्य को जुर्माने के अलावा मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इसके बाद जान लेते हैं कि हिट एंड रन केस में क्या सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में लापरवाही से मौत होने पर सजा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत हिट एंड रन केस आते हैं। पुरानी कानून प्रणाली में धारा 304(a) में इस पर नियम था। ऐसे मामलों में आईपीसी में सजा के तौर पर 2 साल की जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। धारा 106(1) के तहत जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा काम करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे 5 साल तक के लिए कारावास और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) में हिट एंड रन केस का कानून है। सरकार के राजपत्र के मुताबिक अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी व्यक्ति पुलिस या मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना दुर्घटना के स्थान से भाग जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद का प्रावधान है। हालांकि इसको अभी लागू नहीं किया गया है, अदालत में इस प्रावधान पर फैसला होना अभी बाकी है। अब आगे जान लेते हैं कि क्या आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले को जेल होगी। भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले के साथ साथ आत्महत्या की कोशिश करने वाले शख्स को भी सजा होती है। आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले को 1 साल तक साधारण कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान था। नए कानून में इसे हटा दिया गया है। धारा 107 में ये लिखा गया है कि यदि कोई बच्चा, कोई मंदबुद्धि व्यक्ति या फिर नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जिस किसी ने भी उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया है उसे मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास या 10 से ज्यादा साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इन मामलों में अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 108 में व्यसक द्वारा आत्महत्या किए जाने पर भी प्रावधान है। इसके मुताबिक जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है उसे मृत्यु दंड या 10 साल के कारावास से दंडित किया जाता है। अब आगे ये भी जान लेते हैं कि कोर्ट में झूठा दावा करने पर क्या सजा होगी। अगर कोई धोखे से या फिर बेईमानी से या किसी को चोट पहुंचाने या परेशान करने के इरादे से कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई ऐसा दावा करता है जिसके बारे में वो जानता है कि वो झूठा है तो उसे दंडित किया जाएगा। सजा के तौर पर उसे 2 साल तक जेल में बंद किया जाएगा और जुर्माना भी उसे देना होगा। तो ये हमने आपको बताया कि नई न्याय संहिता के मुताबिक क्या क्या कानून बने हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।